दोनों लोग का आवे ना गरिया भी हाँ ते बताओ घर तुम्हार जो है तुमका गांव के पता नहीं मालूम अरे भैया दिखाओ अरे देखो हल्का भी आ रहा है मालूम हाँ आ रहा है ठीक तुमको गांव का पता नहीं मालूम हरा अच्छा देखिए इस समय रात के 11:30 बजे हैं आज 30 तारीख है सुबह आपने देखा होगा जो सुअर उबर उठा के लाए थे सड़क पर से इस समय रात में 11:30 बजे इतने बड़े कैंपस में हम दुर्गा मार्केट के पीछे बैठे हैं अपने ही कैंपस में हैं इतने सारे मकान इतने दरवाजे हैं ये व्यक्ति यहीं क्यों आया सोचें आप क्यों आया जानवर के पानी के लिए रखा है आदमी के लिए है जानवर के लिए ये भगवान की लीला है और यहाँ अंधेरे में खड़ा हमने सोचा कौन है भैया तुम यहाँ कैसे अब दिमाग इसका काम नहीं कर रहा है अभी दूसरे लोग हों तो कहें अरे बना हुआ पागल है अरे मूर्खो उसके खाना पीना दिया अब खाना पीना दिया तो अपने खाते ही चला गया अब इससे साबित हो गया कि कई दिन का भूखा है इसको ये नहीं मालूम कि हमको बाहर कहीं खाना मांगना चाहिए इसको नहीं मालूम तो कहने का मतलब कि ये जो हमारे समाज में बनने दो हाँ हमारे समाज में ये भागवत होता है शिव बारात निकाली जाती है ये लाल बत्ती कैमरे के बगल में कहीं जली अरे तुम हाँ शिव बारात निकाली जाती है 12-12 लाख रुपए फूंके जाते हैं एक लड़की की शादी करा दिया आडंबर कर किया ना ऐसे लोगों के लिए क्या हर शहर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि जिनका दिमाग नहीं काम कर रहा है अब बताइए इस आदमी के लिए कितनी मुसीबत है जहाँ जाए वहीं पकड़ा जाए मारा जाए पीटा जाए इस आदमी के लिए एक मुसीबत है कि नहीं है ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा एक कुछ आश्रम ऐसा बना होना चाहिए कि जहाँ ऐसे लोगों को जनता पकड़ के ले जाए वहीं बाउंड्री हो चौकीदार हो ये लोग निकल के भाग न सकें इनको खाना दिया जाए इनसे गांव गांव का पता पूछा जाए अब इनके अगर पता मालूम हो जाए तो इनके घर तक पहुंचा दिया जाए ये नियम होना चाहिए यही मानवता है इस समय बड़े बड़े गोले दग रहे हैं क्यों इंडिया जीत गया है ना कल तुम हारोगे तो पाकिस्तान फिर गोले दगाएगा तो तुम मरो तो हम हंसें और हम मरें तो तुम हंसो हैं खैर वो तो एक लोगों के एक पागलपन एक नशा है इसलिए नशा है कि भोगना है लोगों को चाय है पुड़िया है खाने वाला मेरा अंधा समाज हैं किराए के मकान में लोग रह रहे हैं और खाने पीने के लिए तरस रहे हैं लेकिन मैच देखा जा रहा है जापान मैच नहीं खेलता तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों के लिए अभी टीवी में हम कैमरे के आगे बोलते हैं कि ताकि लोग देखो समझो और बड़े बड़े लोग नेता लोग जो है ना और बड़े बड़े उद्योगपति कहें ना सब मिल के और चंदा लगा करके ऐसी व्यवस्था करो छोटे मोटी कोई जगह हो जो चार ऐसे आगल पागल उसी में बंद कर दिया जाए उनको खाना दिया जाए उनका कहीं इलाज हो हर ज़िले में हर शहर में होना चाहिए बताइए 11:30 बजे रात में हमने इनको खाना दे दिया खा खिला पिला दिया अब इनको हम घर में तो नहीं रोक पाएंगे कौन है क्या है कैसा है ना अब ये जहाँ जहाँ जाएगा इसको ये नहीं मालूम कि स्टेशन कहाँ है इसको ये नहीं मालूम कि मेरा घर कहाँ है गाँव का नाम पूछो तो क्या कौन सा गांव का नाम बताते हो धौरहरा अच्छा ये धौरहरा के पास कोई बच्चा बड़ा गांव भी है कौन है टेकारी है कि फुर्सतगंज है कि कौन सा है बड़ा गांव का नाम कोई बताओ अगल बगल का अकौना ये तो नाम पहली बार हम सुन रहे हैं भाई धौरहरा अकौना कोई बड़ी जगह के नाम बताओ ये अकौना बड़ा अकाउंट में बड़ा जगह नहीं बड़ा गांव का नाम बताओ जायस के पास क्या हो अकाउंट में बड़ा गांव अकाउंट बड़ा गांव और उससे बड़ा गांव कौन है तुम ये बताओ लालगंज तरफ के हो कि जायस के तरफ के हो कि सलवन के तरफ के हो कुछ तो बताओ दिमाग लगाओ सोचो सलोन के अकाउंट
अरे यार हम नामे नहीं सुना, बकौना पकौना धरौला परौला, ऐसे मतलब वो नहीं है। खैर देखो कहीं जाया करो ना, होटल वोटल में खाए के मांग लिया करो, और ना कोई से मंगी हो तो खाना कोई ना दे, ये तो हम अपने मन से दिया ना, हमसे तो नहीं मांगे, हमसे इन्होंने खाना नहीं मांगा, लेकिन हमने देखा कि लाओ देखो इनको खिला के देखें, अगर ये बनावटी होगा तो उतना खाना ही नहीं खाएगा, और सब कुछ इसको दिया खाया पिया। तो हम रात में इस समय 11:30 का टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ जहाँ सीढ़ी चले, ये जो धनी मनी लोग हैं ना, ये शिव बारात और ये बारात निकलवाते हैं, रामचरितमानस जो करवाते हैं ना उसको बंद करते हैं, उसको बंद करते हैं, और राम ऐसे नहीं मिलेंगे, राम काज करो, है ना, मंदिर बन रहा है, ये कौन मंदिर, इससे बड़ा कौन सा मंदिर होगा, यही कंडीशन अगर आपके ऊपर हो जाए, और क्या हो गारंटी कि आपकी यही कंडीशन नहीं होगी, हो सकता है अचानक भूकंप आ जाए, आपके परिवार के लोग मर जाए, और आपके दिमाग में चोट आ जाए, और आप भी पागल बन के घूमें, तो आप व्यवस्था करेंगे तो ऐसे आदमी को गुजारा कहीं ना कहीं उसको राहत मिलेगी। तो ठीक है भैया, आप तुम इधर स्टेशन के तरफ जो है अब तुम जाओ, ठीक, इससे हम लोग फोटो लेते हैं बनाते हैं, ताकि लोगों को हम लोग लोगों से मांग करें, एक शिक्षा दे रहे हैं, है? और तुम्हारा नाम का है, तुम्हारा अपन नाम मालूम है, बताओ, डोंगरे सत्येंद्र डोंगरे सत्येंद्र डॉक्टर, और पिताजी का नाम ऐसे रख दो जमीन में, हाँ, पिताजी के नाम क्या है, गुलाब सिंह, अच्छा पिताजी के नाम गुलाब सिंह है, धौराहरा। अच्छा देखो हम किसी से और आदमी से पूछेंगे कल कि ये गांव कहाँ पर है, तो बता देंगे। तो पिताजी के नाम गुलाब सिंह है और तुम्हारा नाम डोंगरे, लेकिन डोंगरे नाम आज हम पहली बार सुन रहे हैं, पता नहीं कैसा नाम, और कोई दूसरा नाम तो नहीं है तुम्हारा, अच्छा तो तुम यहाँ रायबरेली कैसे आए हो, काहे से आए हो, ट्रेन से, अच्छा ठीक है, तो फिर अब देखो ये अब हम सुनो अब अंदर जा रहे हैं हम सोने, और तुम यही रास्ता पकड़ लो, बल्कि वहाँ ना जाओ, वहाँ कुत्ते उत्ते हैं, इधर से निकल जाओ सीधे, ठीक है ना, हाँ जाओ लाओ टॉर्च बंद कर दो।